अग्रणी नहीं कटोरी अले इसमें पानी में नहीं मुंह में हेलो हाउ आर यू कैसे हैं आप। आज मैं आपको साबूदाना खिचड़ी बना के दिखाती हूँ। साबूदाना खिचड़ी तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, सबका अलग अलग स्वाद रहता है। आप आज मेरे हाथ से बनाई हुई साबूदाने की खिचड़ी देखिए, बनाइए और खाइए। अब हम बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए ये दो कटोरी साबूदाने। दो कटोरी साबूदाने मैंने 6 घंटे भिगो के रखे हैं, लेकिन वो देखो कितने नरम और अच्छे हो गए हैं। और ये मैंने आलू लिए हैं 2, एक बड़ा एक मीडियम है। आधा कटोरी मैंने सिंग लिया है, उसको मैंने मिक्सी में इतना आधा ज़्यादा आधा ऐसा पीस लिया है। मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ता लिया है। ये बड़ा एक चम्मच मैंने शुगर ली है। ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है। आधा नींबू का रस लिया है। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है। और ये नमक तो आपको मालूम है सब में ही लगता है, तो ये मैंने नमक लिया है, उसे मैं स्वाद अनुसार खिचड़ी में डालूंगी। और ये मैंने घी लिया है। घी क्यों? तो घी से साबूदाने की खिचड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, उसके लिए मैंने ये 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। ये फ्रेश कटा हुआ धनिया। अब हमें आलू के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप इसमें कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन उबले हुए आलू से झट से खिचड़ी हो जाती है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। कभी कभार कोई आलू अच्छा रहता है नहीं रहता है, वो सिझाने के बाद भी कच्चा रह जाता है, तो साबूदाना का खिचड़ी बनाने का मज़ा नहीं आता है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये गर्म हो जाएगा बाद में, बस तब तक मैं इसमें मिर्ची काट के रखती हूँ। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। ये हमने जो 5-10 कड़ी पत्ता लिया है वो डाल देंगी। अब इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च जो काट के रखी है वो। अब इसमें मैं डालूंगी ये कटे हुए आलू। अभी गैस लो कर 5 मिनट में उसको ढक्कन ढक के रखूंगी। और साबूदाना हर एक जगह पे मिलता है, ऐसा नहीं किसी भी आप बनिया की दुकान पे जाके बोलो हमें साबूदाना चाहिए तो वो साबूदाना देंगे आपको। लेकिन साबूदाने की क्वालिटी भी देखना, साबूदाना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एकदम बारीक बारीक साबूदाना नहीं होना चाहिए। आलू तैयार हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी घी जो 1 बड़ा चम्मच मैंने ले के रखा है वो। अब इसमें डालूंगी नमक, मैंने 1 चम्मच डाला और दूसरा 1/2 चम्मच डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने सिंग का बुक्का करके रखा है, अब सिंग को जो ग्राइंडर में पीस के रखा है वो मैं डालूंगी। आपने पहले भी देखा कि मैंने 6 घंटा ये साबूदाने भिगोए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर और ये जो नींबू आधा नींबू का रस लिया है ना वो भी मैं इसमें डाल दूंगी।
अब मैं इसको 2 मिनट ढक के रखूंगी। किसी का उपवास रहता है, किसी का मंगलवार रहता है, किसी का गुरुवार रहता है और किसी का शनिवार रहता है। और एकादशी के दिन भी साबूदाने की खिचड़ी बना के लोग खाते हैं। और ये महाराष्ट्रियन की तो स्पेशल डिश मानी जाती है। कुछ भी रहेगा वो तो बोलेगा चलो साबूदाने की, आज हमने साबूदाना की खिचड़ी बनवली है, तुम्हारा आवडेल काय। महाराष्ट्रीय लोग का तो ये स्पेशल डिश है कि साबूदाने का खिचड़ी। वो लोग में तो उपवास रहता है, कुछ भी रहता है, लेकिन साबूदाना का खिचड़ी तो पहला ही रहता है। नाश्ते में भी चलता है, खाने में भी चलता है, और लंच बॉक्स में बच्चे लोग को भर के दिए तो भी चलता है। साबूदाने का खिचड़ी तैयार हो गया है कि नहीं तो आप साबूदाना को दबा के देखिए। देखिए ये साबूदाना तैयार, बिल्कुल अंदर से कड़क नहीं है, एकदम तैयार हो गया है। अब ये मेरा खिचड़ी हो गया है। ये मेरा साबूदाने का खिचड़ी रेडी हो गया है। अब मैं उस पर धनिया डाल के आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी साबूदाना खिचड़ी पसंद आई तो आप मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइव कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, भूलना नहीं। और कमेंट में बोलिए कि आपको मेरी खिचड़ी कैसी लगी। बनाइए, खाइए और खिलाइए।